जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनावि। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमें जानवा आज दिन संपर्क आज पंचांग संपर्क। आज हूँ 14 मार्च, मार्च मासर 14 तारीख गुरुवार 2024 मसीहा ओडिया रे फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष सौर मान रे मीन एक दिन। दर्शक बंधु आसतु जानवा आज तिथि एवं नक्षत्र संपर्क। आज हूँ पंचमी तिथि, पंचमी तिथि सूर्योदय पर ठार रात्र 11 घंटा 22 मिनिट पर्यंत रखुंट। आज दिन नक्षत्र द्विजा नक्षत्र, द्विजा नक्षत्र सूर्योदय पर ठार अपराह 5 घंटा 59 मिनिट पर्यंत रखुंट। एवं आज दिन चंद्र मेष चंद्र, मेष राशि चंद्रमा सूर्योदय पर ठार रात्र 11 घंटा 52 मिनिट पर्यंत रहिबे। आसंतु जानिबा आज दिन विशेषत्व संपर्क। आज हूँ मीन संक्रांति, मीन संक्रांति होइतबारु आज कुंभ राशि जो रवि थिले कुंभरु मीन को आज दिन में चलन हेबे। एवं मीन राशि पाखापाखी 30 दिन धरी रवि अवस्थापित हेबे। मीन संक्रांति थिबा हेतु रविंकर चलन आज विशेष रूप से कालपुरुष राशि ठार द्वादश भाव को रवि गति कले। पूर्वर कालपुरुष एकादश भाव थिले आज द्वादश भाव को गति कले। आज हूँ गुरु पंचमी व्रत। आसतु जानवा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क। आज आपण मैने कौन खाइबे ना, आज दिन में आपण मैने बिल्लो अर्थात बेल बेलर शरबत बा बेलर कौन सी खाद्य प्रस्तुत कर खाद्य हिसाब से ग्रहण करूँ ना, बेलपणा पिंतु ना। आसतु जानवा आज घात चंद्र एवं घात बार थी दुईट राशि संपर्क। आज मेषराशि व्यक्ति विशेष घात चंद्र जोग रही, जो मानकर मेषराशि घात चंद्र थी जोगी रखी चलिबा आवश्यक। घात बार तुला एवं कुंभराशि व्यक्ति घात बार जोग रही। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा अनेक समय रे व्यक्ति विशेष ऋणग्रस्त होइथाय, ऋण करिथाय, करज मध्ये करिथाय, मात्र करज को ठीक समय पैठ करि पारे नाही बा करज सुझी पारे नाही, करज सुझि न पारि मानसिक चाप मध्यरे गति करिथाय। तेबे करज केउं ग्रह कारण रहिथाय विशेष करि आमे जातक को जो देखिबा लग्नर षष्ठ स्थान होची करज बा ऋणर स्थान। जदि लग्नाधिपति षष्ठ स्थान रहिथाय एवं षष्ठाधिपति जदि जातक रे अष्टम द्वादश किंबा लग्नपति को दृष्टि देथाय ये परिस्थिति रे व्यक्ति विशेष अधिक करज करिवार बा ऋणग्रस्त होवार जोग रहिथाय। करज करिबा पई प्रेरित प्रेरित करिथांती मंगल, मंगल जदि जातक रे अशुभ स्थिति रे थांती विशेष करी अनेक जातक रे देखा दैछि जदि मंगल जातक रे द्वितीय रे, मंगल जातक रे षष्ठ रे, मंगल जातक रे अष्टम रे किंबा मंगल जातक रे द्वादश घरे 12 नंबर घरे थाई शनि को दृष्टि रे थांती बा शनि को सहित युक्त होइतांती एपरि स्थिति रे करजर परिमाण बढ़ी जाइथाय बा व्यक्ति विशेष करज बारंबार करे, बारंबार ऋण ग्रहण करे एवं परिशोध करिवार तकलीफ बा समस्या देखा दैथाय। आज आपण को ऋण मुक्ति पाई बा करज मुक्ति पाई अचूक केतक उपाय कहुछि। शास्त्र अनुसार जदि आमे विचार करिबा मंगल होचंती करज पाई प्रधान दायी ग्रह, द्वितीय रे होचंती शनि, तृतीय रे होचंती राहु। तेणु विशेष करि जदि आपण ऋणग्रस्त अछंती करज पैठ करिया पाई चाहूचंती ताहाले ऋणर मुक्ति पाई आपण गोमातांकर सेवा करंतु। पूर्व काल मानकर देखिथिबे खरा दिन मानकर देखिबे घर बाहर आपण गोटे कुंड थिला माने आपण से पेज तोराणी चकट सब पड़ूला निजर गाई था बाहर कौन सी गाई था रास्ता कट जा गाई ताकू खाऊ। पूर्व काल में प्रत्येक व्यक्ति विशेष देखिए घास काटी गाई था कि न था गाई को घास खाइबाक दौले, किंतु आज नगरांचल आज सोसाइटी सेगुड़क आज लोप पाईला। तेणु आपण गोमाता जदि प्रत्येक दिन मन रखत कि घास बा घास बदल टाउन घास मिलवा असंभव, घास मिलूना बा आपण काटिकी आणवर आपण पाखे समय बा शक्ति ना, तेल आपण मानने मिनिमम 20 टाँचा 30 टाँचार शाग बिड़ा आपण 5 बिड़ा 10 बिड़ा जहाँ भी शाग हम शाग एवं किसी गुड़ घास सहित किसी गुड़ बा शाग बिड़ा सहित किसी गुड़ रेगुलार आप गोमाता को खुआई चलतु, गाई को खुआई चलतु, देखिए आपणकर करज जहाँ भी था दूरीभूत हो। शास्त्र कहा जाए
जे वास्तुशास्त्र अनुसार जदि घरर दक्षिण दिगटि खराब थाए ताले करज बढ़िबार संभावना अधिक बढ़ी जाए। आप देखिए आप गोटे नुआ घर करमती घरे गोटे भड़ा रोचे देखिए दक्षिण भागटी वास्तु अनुसार आपण अशुभ अच्छी बा दक्षिण भागटी ठीक भाव में ना दक्षिण भागटी अधिका अच्छी उत्तर भाग कम अच्छी दक्षिण भागटी अधिका अच्छी दक्षिण भाग गोटे कोणाकार आपणकर दक्षिण भागटी आपण कूँ खोली दक्षिण भाग में अनेक घर देखिए कूँ थी अग्निकोण से बोरवेल अच्छी ट्यूबवेल अच्छी दक्षिण भाग में दक्षिण भाग में किसी जलर उत्स जमुची तार एपरी स्थित करज बढ़ाटा 100% आपण रो केत क्षेत्र देखा जाए घर सामना भाग घर जो प्रथम भाग अपेक्षा जदि पक्षपटा आपण अधिका अच्छी पश्चात भाग अधिक अच्छी घर सामना सदा बेल अधिक रछटा टे कम र घर आग को आपंकर अर्थ आग को जगह टी लेंथ अधिका रुपये आग को आप 10 फुट अच्छी पछपटा आप 7-8-9 भितर कम रही चलो 5 फुट रही चलो कितु घर आगटा आपंकर अच्छी अगणाटा फ्रंट लाइनटा आपंकर अच्छी धरतु 5 फुट कि 3 फुट और पछपटा अच्छी 15 फुट 12 फुट यह स्थित करज बढ़ संभावना रही है तेना वास्तुशास्त्र में ये दिगुड़ देखा पड़ता है। से भाई घरे जदि आप घंटा बंद होड़ी तेल आप करज बढ़ सेठी घंटा को सजाड़ू बैटेरी लगातु बा खराब घंटा होते फोपाड़ू ये भली स्थिति को अनुधान करने पड़ो। से भाई शास्त्र में कहा जाए प्रथम जो आप रुटी घरे प्रस्तुत करेंगे राति भोजन प्रस्तुत करेंगे भात करूँ रुटी करूँ प्रथम भोजन सब गाई को देवे और किसी भाग रखिथे सब श्वान कुकुर को देवे तेणु जदि गोटे व्यक्ति विशेष प्रत्येक दिन गाई को खावा दिए और कुकुर को बड़का खाद्य खावाक दिए ताहले मध्य ता जीवन में केवे करज देखा जाए ना यहाँ शास्त्र प्रमाणित। से भाई भाव जदि आपणकर बहुत करजग्रस्त अच्छा ताले प्रत्येक शनिवार दिन आपण किसी विकलांग असहाय व्यक्ति को निज साप्ताहिक रोजगार आपण किसी अर्थ ताकु भोजन अन्नदान किसी भोजन खावा दिंतु पेट पूरा भोजन दिंतु ता सहित आपण किसी वस्त्र दिंतु किसी कॉइन दिंतु पाव रुटी आपण ब्रेड ब्रेड प्रत्येक शनिवार दिन भिकारी को खावाक दिंतु बा विकलांग व्यक्ति खावाक दिंतु यहाद्वारा देखिए ऐश्वर्य कृपा आप प्राप्ति करेंगे शीघ्राति शीघ्र आपणकर जो ऋण रही से ऋण परिशोध हो। आउ एक अचूक उपाय हूँ प्रत्येक दिन आप स्नानकर्म समापन पर गाधे सारापर तंबा ढाला तंबा लटारे जल एवं किसी रक्तचंदन को मिसाई रक्तचंदन जल मिश्रित जल को आप सूर्य नारायण को अर्पण करूँ और करज सुझापी प्रार्थना करूँ यहाद्वारा आपण शीघ्राति शीघ्र करज सुझ बहुत गुटे उपाय कहूँ अति छोट छोट उपाय कौन से अर्थ खर्च ना आप आराम करें। प्रत्येक मंगलवार दिन आपण मसूर डाली मंगल उद्देश्य मसूर डाली 500 ग्राम हो पाए किंबा 250 ग्राम मिनिमम 250 ग्राम 500 ग्राम मसूर डाली एवं किसी गुड़ खंड गुड़ आपण कौन चौकीदार आपण सिक्यूरीटी गार्ड या दिंतु एवं किसी अर्थ राशि दान करूँ क्रमगत भाव देखिए आप 21 मंगलवार करने मध्य आपणकर अनेक अर्थ बा ऋण परिशोध हो सपणकर जहाँ भी समस्या रही ऋण हेतुक ता दूरीभूत हो। तेणु दर्शक बंधु आपण मैंने प्रतिकार करूँ देखिए निश्चय ऋण बा करजर आपण मुक्ति पाई।